तो दोस्तों, ये जो प्लगइन्स है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये प्लगइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप मिक्सिंग या फिर मास्टरिंग कर रहे हो तो ऐसे में ये प्लगइन्स आपके बहुत ही काम की हो सकती है, स्पेशली उन सारे लोगों के लिए जो हेडफोन पे मिक्सिंग या फिर मास्टरिंग करते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप हेडफोन पे मिक्सिंग मास्टरिंग कर रहे हो तो हर जो हेडफोन होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसीज होती है वो फ्लैट नहीं होती है, जिससे अगर हम इसी ऑडियो को किसी स्पीकर में, डिफरेंट स्पीकर में सुने तो वो कैसा साउंड करेगा ये हम पहले ही सुन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना हेडफोन लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सा प्लगइन्स है और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, ये जो प्लगइन्स आता है ये आता है सोनार वॉक्स रेफरेंस 4। यहाँ पर पहली जो लिंक खुलेगी साउंड आईडी रेफरेंस का, इसको आपको ओपन करना है। तो ये जो वेबसाइट है दोस्तों, यही वो प्लगइन्स है जिसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ, और अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि ये कितने अच्छे से वर्क करता है और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आप सिंपली आके यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 21 डेज़ का फ्री ट्रायल आपको देखने को मिलता है। तो इस सॉफ्टवेयर को आप पहले ही चेक कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो एंड देख सकते हो इसके फंक्शन को कि कैसे ये वर्क कर रहा है। दोस्तों, ये जो प्लगइन्स है ये है साउंड आईडी रेफरेंस। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो ये कुछ इस तरह से साउंड आईडी रेफरेंस के नाम से ओपन होकर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। मैं इसको फुल स्क्रीन पर कर लेता हूँ। अभी दोस्तों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर राइट साइड में कुछ ऑडियो के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मेरा ऑडियो इंटरफेस दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है, एंड यहाँ पर आपके हेडफोन दिख रहे हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे हेडफोन के नए नए मॉडल्स डाले जाते हैं एंड इसको अपडेट किया जाता है, जिससे आपका अगर कोई नया भी हेडफोन होगा तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके प्रीसेट आपको मिल जाएं। तो यहाँ पर मैंने जो अपना हेडफोन है ऑडियो टेक्निका ATH M20X, उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपका जो हेडफोन है उसका रेफरेंस यहाँ पर दिखा रहा है। इसका कैलिब्रेशन यहाँ से अगर मैं बंद कर दूँ तो कुछ इस तरह से होगा। तो इसको जैसे ही आप बंद कर दोगे तो आप देखोगे कि इसके ग्राफ किस तरह से जा रहे हैं, और जैसे ही इसको आप इस तरह से ऑन करोगे तो आप देखोगे जहाँ जहाँ पे बूस्ट की ज़रूरत थी और जहाँ पर कट करने की ज़रूरत थी उसको इसने ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट कर दिया है। अब इसके बाद अगर आप मिक्सिंग करोगे तो आपकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपके जो हेडफोन है वो पहले ही फ्लैट साउंड कर रहे हैं और इसके हिसाब से आप यहाँ पर मिक्सिंग करोगे। तो हेडफोन को कैसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, अगर स्पेशली हेडफोन पे आप मिक्सिंग या मास्टरिंग कर रहे हो तो कैसे ऐड कर सकते हो वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, ऐड न्यू प्रीसेट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्लिक हियर टू सेलेक्ट अ कैलिब्रेशन प्रोफाइल। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ऐड अ न्यू हेडफोन प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। अब जो भी हेडफोन आपका होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ सनाइजर, तो आप देख रहे हो सनाइजर आ गया। अब सनाइजर के जितने भी मॉडल होंगे दोस्तों यहाँ पे देखो वो सब आपको दिख जाएगा। 206 मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो 206 का जो मॉडल है वो यहाँ पे आ गया। यहाँ से यस कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो जैसे मैंने यहाँ पे हेडफोन सेलेक्ट किया ऑटोमेटिकली इसने इसको कैलिब्रेशन कर लिया और इसका जो प्रोफाइल है वो सेट कर दिया है। तो अब इसके अंदर आपको फ्लैट साउंड सुनने को मिलेगा। इस तरह से आप पहले तो हेडफोन डाल सकते हो। अब बात करते हैं कि आप डिफरेंट सिचुएशन में कैसे सुन सकते हो अपने हेडफोन के अंदर, कि आपको अगर अलग अलग स्पीकर पर सुनना है तो वो कैसा साउंड करेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ ट्रांसलेट चेक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये छोटा सा ड्रॉप डाउन मेनू दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारे मोड दिए गए, जैसे कार में आपका कैसा साउंड करेगा, हेडफोन के कुछ मॉडल्स हैं, लैपटॉप में कैसा साउंड करेगा, स्मार्टफोन के अंदर कैसा साउंड करेगा, स्टूडियो स्पीकर में कैसा साउंड करेगा, टीवी में कैसा साउंड करेगा, ये सब कुछ आप यहीं पर सुन सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ये जो मॉडल हमने यहाँ पे ऐड किया इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अभी मैं ऑडियो टेक्निका का जो हेडफोन है वो सुन रहा हूँ। तो मैं यहाँ से सिंपली क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अभी हमारे पास एक हेडफोन का प्रोफाइल है और इसी प्रोफाइल पे अभी हम सुनते हैं कि हमारी साउंड कैसी बज रही है। तो काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है। मैं काम करता हूँ, अभी जो ये कैलिब्रेशन इनेबल है इसको मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ और अभी सुनता हूँ कि अभी कैसा साउंड आ रहा है। और इसको इनेबल करके सुनते हैं।
यहाँ पर क्लियरली सुन सकते हो, अगर आपके पास एक अच्छा हेडफोन है तो आप सुन पा रहे हो कि यहाँ पे काफी सारे चेंजेस आपको सुनने को मिल रहे हैं और साउंड काफी ज्यादा क्लियर सुनने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप मिक्सिंग कर रहे हो इसके ऊपर, तो आपको ये सिंपली क्या करना है, ये जो साउंड आईडी रेफरेंस है इसको ओपन कर लेना है, और ये कलेब्रेशन वाला जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है। तो आप यहाँ से इसको ऐसे कट कर दोगे तो ये यहाँ पे छोटा सा प्रोफाइल इसका दिखेगा और ये इनेबल रहेगा। अब जब भी आप मिक्सिंग मास्टिंग करोगे तो आपको फ्लैट साउंड आपके हेडफोन में सुनने को मिलेगा। अभी हम ऑडियो को प्ले करते हैं एंड सुनते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में कैसा ये साउंड कर सकता है। तो आप सुन सकते हो कि कार के अंदर कैसा साउंड करेगा, जो इसमें आपको पहले ही पता लग जाएगा। मैं यहाँ पे स्मार्टफोन का मोड सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्मार्टफोन का मोड सेलेक्ट किया और अभी मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर हमें कैसा साउंड सुनने को मिलता है। तो आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के सिचुएशन में आप पहले ही पता कर सकते हो कि आपकी जो आउटपुट है वो कैसी आने वाली है। तो इस तरह से आप इस प्लगइन को यूज कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहां पर जाकर आप इसको ट्राई कर लेना, और अगर अच्छा लगे तो आप इसे आगे यूज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।